Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो XT Gamer ने मुझे चैलेंज किया था कि मैं Spider-Man 3 वो भी PSP पे खेलूं, और उसने जो रिकॉर्ड सेट किया है, मतलब वो जिस भी लेवल पे, उस लेवल पे मैं जाऊं, मतलब उससे भी आगे जाऊं, और उसने जितने टाइम में किया था उससे भी पहले टाइम में मैं उस लेवल पे जाऊं। तो जल्दी से स्टार्ट करने वाले इस गेम को। तो यहाँ पे हमें मिल चुका है स्टार्ट का बटन, तो हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा लोड लेने के बाद हमें आएगी एक सीन जिसमें हमें खेलना होगा, तो हमें कर देना है ओके। जो थोड़ा लोड ले रहा है उसके बाद आ जाएगा हमारा मेन गेम। तो यह आ चुका है हमारा स्पाइडरमैन, और ये स्पाइडरमैन 3 है गाइस। हाँ, ये स्पाइडरमैन 3 है, और इसमें कोई आवाज़ नहीं, कोई साउंड नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, इसलिए। पर जब भी मैं इसे खेलता हूँ तो मेरे को क्रिश जैसी फीलिंग आती है, पता नहीं क्यों। तो पहला लेवल ईजी है कि हमें जो इन लोगों को बस छोटे मुक्के मुक्के से मारना है। तो हम इसे तो मैं आसानी से मार दूंगा। ये तो मेरे सामने बाढ़क है, बाढ़क। ये तो मैं थोड़े से ही वारों में मर गया। अब आने वाला है मेन सीन। दरवाजा तोड़ दिया, शिट। अब इन लोगों को भी पेलना पड़ेगा, पता नहीं क्यों इन लोगों को अपनी मौत ही ज्यादा जल्दी है। तो ऊपर मेरे को इंस्ट्रक्शन दिख रही है, इंस्ट्रक्शन को हम देख के करने वाले लड़ाई। तो इस इंस्ट्रक्शन से भी ज़्यादा मेरे को आता है, क्योंकि इसको मैंने खेल रखा है, तो मेरे को ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन सब का। मैंने थोड़ा सा ट्राई पे खेल रखा है कि ये कैसा होता है गेम में। तो इसको मैं आसानी से मार तो सकता ही हूँ, और देख सकते हैं मेरी HP कितनी ज़्यादा है, और मैं अभी तक मरा भी नहीं। मैंने इनके एक और प्लेयर को मार भी दिया, और एक और कोई आने वाला है। जल्दी से इस कमरे के बाहर चलते हैं और इन सबको पीटते हैं। ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, शिट, बिगाड़ लिया यार। इनको तो मैं यूं पेल दूंगा, तुच्छे मुच्छे बाढ़ रखे ये लोग। यहाँ पे ब्लास्ट वगैरह कर रखा है इन लोगों ने, इन सबको पेलूंगा। ये लो, इनको तो ऐसे ही हेडशॉट दूंगा। अब मेरे को हॉल पे जाना है, तो हॉल में ये, अच्छा ये मेरा कैमरा मूव करने के लिए है। इस तरीके से मैं अपने कैमरे को मूव कर सकता हूँ, ठीक है, ये तो मेरे को समझ आ गया है। तो ये रहा वो हॉल, तो इसके अंदर मेरे को जाना है। तो यहाँ से हमारा सीन वापस बदल चुका है। तो इधर शायद से क्या होने वाला है, पूरी आग वाग लगी हुई है। मेरे को शायद इधर लोगों को बचाना होगा, या फिर एनिमी को मारना होगा, पता नहीं। और उधर फिर से एक ब्लास्ट हुआ गाइस, पता नहीं ये ब्लास्ट क्यों होते रहते अपने जीवन में। ऐसे ब्लास्ट से अच्छा मैं इसे कूद सकता हूँ, जैसे मुझे तो पता ही नहीं था। अगर मैं इसे देखो होल्ड करता हूँ ना, तो मैं और ऊँचा कूद सकता हूँ। तो वक्त ज़ाया नहीं करते हैं, उस जगह पे चलते हैं। तो मेरे को उधर से फायर में ब्लास्ट हुआ था, मेरे को इस साइड से जाना चाहिए। तो इससे क्वालिटी देखो, PSP गेम है, पर इसकी क्वालिटी उस हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ओके, इधर आ गए, मेरे को डैमेज पड़ रहा है, मेरे को बैक साइड जाना चाहिए। किधर से हुआ था ब्लास्ट हुआ है भाई, इस साइड हुआ था। हाँ, ये रहा ब्लास्ट। अब मुझे क्या करना होगा, ये मैं उसी पुरानी जगह पे आ गया। ये तो बाहर का साइड है, नहीं इधर नहीं है, बैक साइड में ब्लास्ट हुआ। ये यहाँ पे भी जगह नहीं है, तो किधर है, किधर है, वो रहा वो जगह, यस उस साइड में। तो मेरे को इधर से जाना चाहिए, हाँ इधर ब्लास्ट हुआ था गाइस, तो मेरे को इधर जाना है। तो इनने कहा है कि मेरे को ये सर्कल वाला बटन दबाना है। अब मैं नहीं जानते सर्कल, अच्छा इस सर्कल वाले बटन से मैं चढ़ सकता हूँ। मैं नॉर्मली अपने स्पाइडरमैन बन के ऐसे चढ़ता हूँ, तो मैं ऐसे चढ़ता रहता हूँ, ये देखिए। और उस साइड से वो मेरे को डोर दिख रहा है, तो मुझे इतना तो समझ आ गया है कि मेरे को उस डोर के पास जाना है। ये रहा एग्जिट थ्रू डोर। अब मेरे को यहाँ पे कुछ एनिमी को मारना है, तो इन सबको मैं मारता हूँ अभी से। इन सबको मारना है तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। ये तो देखो यूं मर जाएंगे, यूं मरेंगे। इनसे मैं अपने वेब शूट भी कर सकता हूँ, इनको तो ऐसे ही मार दूंगा। ये पता, ओह शिट, ये बहुत सारे अमाउंट में आ रहे हैं, तो मेरे को इनको मारना थोड़ा मुश्किल होगा, बट मैं तो इन्हें मार ही दूंगा। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक लगा रखा है मैंने, क्योंकि ये देखिए ऐसे तो इसमें कोई म्यूजिक है नहीं, तो मेरी सिर्फ वॉइस ही होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक लगा रखा है। तो इन सबको मैं मारता हूँ, बट अब फिर से सीन चेंज हो गया है। और ये क्या, फिर सुपर ब्लास्ट, और यहाँ पे कुछ रोप टाइप निकल चुकी है। हाँ, और फिर दो एनिमी इधर से आ चुके हैं, तो मेरे को इन एनिमो को भी डिफीट करना होगा। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हैं, तो इनको मैंने पढ़ लिया है, तो मेरे को इनको ऐसे मारना है। इससे क्या होगा भला, ओके इससे मैं अपने आप को बच सकता हूँ। ओके
तो इन सबको मेरे को मारना होगा। अच्छा वो गन वाला आ चुका है, इसी के बारे में इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ था कि मेरे को इसके गन से बचने के लिए इस तरीके से मूव करना होगा, पर मैं प्रो हूँ, हम इनको आराम से मार देंगे बिना इसको यूज करे। देखो हम इनको बस ऐसी ऐसी मार देंगे। ये इसको भी मार दिया मैंने, तो इसको पास जल्दी से इसको मारते हैं हम लोग। देखो इससे भी बढ़िया तरीका मेरे पे है कि मैं ये दबाऊंगा एक मिनट और फिर इसको ऐसे करके मार दूं मैं आराम से, तो ये ज़्यादा इजी रहेगा मेरे लिए। तो इनके इंस्ट्रक्शन से तो बढ़िया आइडिया मेरे पे ही है, थोड़ा डैमेज पड़ेगा मैं जानता हूँ, पर इन लोगों के लिए ये कोई बात नहीं, इनको तो ऐसे ही मार दूंगा। ये दूसरा गन वाला भी आ गया, इन्होंने मेरी HP बहुत खाई है, तो इसको मैंने ऐसे मार दूंगा भट भट, और इस तरीके से मैं इसको डिफीट कर सकता हूँ। ये ले मेरे पे वेब शूट भी है, तो मैं वेब शूट से कर सकता हूँ। इधर जो देख रहे हैं प्लस कलर का जो कि ग्रीन है, वो मेरे HP है, HP है मतलब, और इसके ऊपर मेरे वेब शूट है। ओके ये बहुत मार रहे हैं मेरे को, तो मेरे को खुद को डिफीट करना होगा, बचना होगा मेरे को। मेरे बटन थोड़े काम नहीं कर रहे, PSP गेम है और मैं पहली बार खेल रहा हूँ इसलिए। इनको भी मैंने मार दिया अब। ओके ये मर नहीं रहा भाई, इसकी HP बहुत है। ओके इसको मारना पड़ेगा गाइस, ये बहुत। ओके अब इसको मार दिया हमने, आराम से डिफीट हो चुका है। हाँ जो मैं आपको बताया था कि हमें जंप करना होगा बड़ा लॉन्ग प्रेस करके, तो ये वही बता रहे मेरे को। तो इधर मैं आ चुका हूँ और मेरी HP वो बहुत कम है, उसका थोड़ा रिकवर होने का इंतज़ार करते हैं हम। तो गाइस हमारी HP भी काफ़ी हद तक आ चुकी है, तो जल्दी से हमें करना है बस इसको लॉन्ग प्रेस करना है। और ये देखिए बहुत अच्छा पोज आ रखा है ये, एंड ये लो मैं बच चुका हूँ। और इधर मेरे को कुछ लोगों को शायद बचाना है, तो इसका इंस्ट्रक्शन के दिए गए हम इसको फॉलो करते हैं। शिट मैं फिर से गिर गया, कोई नहीं फिर से हमें चलना होगा। ए ओके ओके सेफ लैंडिंग चाहिए मेरे को, तो इधर कोई होगा मेरे को उसे बचाना है, क्योंकि मैं तो स्पाइडरमैन हूँ, वो लोग तो मेन ह्यूमन है, तो हमें उन्हें बचाना पड़ेगा। तो इधर है एक आग के पास, तो इनको पिकअप करने के लिए मेरे को ट्रायंगल वाला दबाना है, तो इसको मैंने उठा लिया है। पता नहीं ये मेरे ऊपर ही चढ़ के क्यों आए हैं, इसको मैं आप सेफ लैंड करा सकता हूँ किधर उस साइड के लिए, तो उधर मेरे को जाना है। इधर गड्ढा है तो मेरे को इधर से नहीं गिरना है, तो वो रही जगह, और इधर मैं छोड़ देता हूँ इन्हें फिर से। ये तो थैंक यू बोले बिगड़ ही भाग गया, कैसे गंदे लोग। ओह शिट इधर फायर है, इधर थोड़ा ज़्यादा रिस्क है एक्चुअली, मेरे को साइड से जाना पड़ेगा। ओके उधर एक लड़का फंसा हुआ है, लड़का या लड़की उतना तो मुझे पता नहीं, इस साइड है ये। ओके ये मैम जी है, मैडम जी को उठाओ। काश ये भी मेरे को थैंक यू बोले, वरना ये भी उसकी तरह भाग जाएंगी। ओके थोड़ा सेफली जाना पड़ेगा मेरे को। शिट 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 ये मर सकते हैं, ये लोग मर सकते हैं मेरे कारण, और मैं जंप करके चले जाता हूँ। अब इनको भी मेरे को उधर उतारना है, ये भी मेरे को छोड़ के भागने, मतलब कोई थैंक यू कह ही नहीं रहा। आजकल का जमाना बिल्कुल खराब हो चुका है गाइस, ये फिर से सीन चेंज हुआ है, और फिर इधर बहुत बड़ा धमाका हुआ, और इधर मैंने देखा है कि एक इंसान को इन लोगों ने कैप्चर कर रखा है, वही बॉम्ब लगा रखा है, बॉम्ब प्लानिंग, मतलब ये इन सिविलाइजेशन को मारना चाहते हैं। ऐसा तो मैं करने नहीं दूंगा, तो इनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं और इन सब लोगों को पेलते हैं। ये लो इसको तो मैं यूं आधी HP यूं कम कर दूंगा, 3-4 शॉटों में ये मर गया। इसको भी हम ऐसे ही मार देंगे नॉर्मली, ये लो बस 3-4 शॉटों के मेहमान होते हैं ये लोग। और इधर और खतरा है, इन सबको मारना पड़ेगा मुझे, और ये मैंने फिर से किया और इन सब लोगों को मार दिया। और वो वाला इंसान उसको भी मेरे को सेव करना है, रेस्क्यू करना होगा। शिट ये लोग मेरी HP खा रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो इन लोगों को मारना पड़ेगा मेरे को। तो मेरे फिर से बटन काम करना बंद कर दिए इस गेम के, PSP गेम इसलिए थोड़ा अलग सा लगता है मेरे को, खेलने में ज़्यादा ठीक नहीं है, तो इसके बटन बार बार काम करके बंद कर देते हैं। ओके अब इसके बटन थोड़े चालू हो चुके हैं, तो मेरे को फिर से अब मैं मार सकता हूँ इन्हें ईजिली, इसके बटन ठीक हो गए अब। ओके अब इनको मेरे को पेलना पड़ेगा, ये लो ये लो ये लो ये लो, HP खाओगे मेरी गाइस, सच्ची में बहुत डेंजरस है, मेरे को जंप करना चाहिए। ये लो इसको यूं ही मार दूंगा, यूं यूं मरेंगे सब लोग। वो मर गया है,
और वो रहा इंसान जिसे मैंने बचाना है। फिर पास चलते हैं और इधर से जाएंगे। तुम्हें को ये ट्रायंगल वाली शेप का फिर से दबाना है और फिर अच्छा उसको मेरे को ऐसे दबाते रहना है ताकि टूट जाए। ओके ये टूट चुका है पूरी तरीके से। अब देखूंगी मेरे को थैंक यू वगैरह कहता है यानी या फिर ये भी मतलब ही निकलता है। तो इसको मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। ये तो बस ऐसे ही खड़ा हो रखा है। ओके दूसरा दरवाज़ा भी खुल चुका है। इसने मेरे को बाय करा। ओके अब क्या करना है मेरे को? शायद उस दरवाजे से अब मेरे को आगे की तरफ जाना है। तो उधर मेरे को फिर से कुछ सिंबल दिख रहा है, मतलब उधर भी कोई डेंजर में है। और जब फिर से धमाका हो चुका है शायद मेरी एचपी बढ़ा देंगे। हाँ मेरी एचपी फुल हो चुकी है। और वो रहा जगह और इधर से मेरे को मारनी होगी जंप। ये रहे बहुत सारे लोग होंगे इधर। हाँ और मैंने लैंड भी कर दिया। और ये मैंने नहीं खाया सच्ची में, ये एनिमेशन है इनका। और ये लोग फिर से ऊपर से टपक रहे हैं। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि ऊपर से लोग टपके और उन्हें मेरे को मारना पड़ता है। तो मैं जल्दी से जल्दी इन सबको मारना चाहता हूँ। ओके गन वाला बंदे मेरे को फिर से आ गए। फिर से नहीं पसंद है मेरे को ये लोग। गन वाला तो मेरे को सख्त नफरत है, बार बार मारता रहेगा गन से। भग इसको, इसको मारना है। इसको भी मार ही देता हूँ अभी। ये लो ये ले। ओके इसने मेरे को मारा, फिर से इसने मेरे को मारा। ओके वो जंप करना चाहिए। ये लो ऐसे मेरे को जंप करके मारने में इनकी ज़्यादा एचपी ख़त्म होती है। ओके तो मेरे को वेब शूट करना चाहिए। ओके इन लोगों ने मेरे को इंस्ट्रक्शन दिए तो उसके मैंने पढ़ लिया। तो मेरे को वेब शूट के लिए ये दबाना है। ओके तो मैं इसको दबाता हूँ। फुल हो चुकी है मेरी शूट। ओ कौन सा वाला बटन दबाना है? ये इन्होंने नीचे एरो वाला दे रखा है। मेरे को ये दबाना है, ये दबाना है। शायद मेरे को ऐसे दबाना है। इनको मेरे को ऐसे ही मारना पड़ेगा। पता नहीं क्या हुआ मेरे सामने, अभी मैंने बहुत सारे लोगों को मार दिया और मुझे खुद समझ नहीं आया। गाइस देखो मैं खुद ये पहली बार खेल रहा हूँ, थोड़ा मैंने ज़्यादा लेवल तक पहुँचा नहीं हूँ तो मेरे लिए कंफ्यूजिंग है। उधर बहुत सारे एंटिटी दिख रहे हैं जो ऊपर से लैंड हो रहे होंगे। मेरे को जल्दी से इसको हेल्प करनी चाहिए इन लोगों की। तो मैं जल्दी से इन सबको तोड़ देता हूँ। ओके अब मैं इनको जल्दी से मारना पड़ेगा इन सभी लोगों को। ये लोड हो रहा है, शायद मैं नेक्स्ट राउंड में पहुंच गया हूँ। हाँ ये नेक्स्ट लेवल है। और ये लेवल सबसे बढ़िया बात है, ये जो फर्स्ट लेवल है इसको मैंने एक्सटी के टाइम से भी पहले पूरा करा है। मानता हूँ ये लेवल थोड़ा बड़ा था, छोटा भी मान सकते कुछ लोग, पर हाँ ये मैंने एक्सटी से पहले करा है। इनके इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कुछ, तो उनको पढ़ते हैं। इधर से बैक जाते अपना और देखते कि हमें क्या काम दिया है। तो ये मेरे को ट्रेनिंग दे रहे, तो ये ट्रेनिंग भी बहुत बड़ी है। तो ये जगह है, हाँ ओके इधर से मेरे को जाना है इसके अंदर और इसके बाद मेरे को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसके हिसाब से काम करने। तो ये ट्रेनिंग आ चुके, हमारा ट्रेनिंग ग्राउंड। तो आर को मेरे को ऐसे दबाना है तो मैं स्विंग कर सकता हूँ। ओके ओके मैं तो नीचे उतरूंगा ही नहीं, थोड़ा पीछे छूट गया मैं, ज़्यादा ऊपर उड़ रहा हूँ। मैंने खुद नोटिस करा मैं बहुत ऊपर उड़ रहा हूँ। ओके मैं को ऐसे ही उड़ते रहना चाहिए। वेट अ मिनट, ये थोड़ा ऊपर हो गया तो मेरे को ऐसे कूदना पड़ेगा। तो इन लोगों ने मेरे को फिर से कुछ बताया है और मेरे को इस बार फिर से इनको ऐसे ही करना होगा और फिर मेरे को ये एक्स को भी दबाना पड़ेगा। मेरे को फिर से इन लोगों ने मार दिया गाइस। फिर से जल्दी से चलते हैं और फिर मेरे को ज्यादा लंबा उड़ना, ऊंचा उड़ना चाहिए। तो मैं इसको लॉन्ग प्रेस करता हूँ। यस ये अभी भी नहीं हुआ। ये एक्चुअली बहुत दिमाग खराब हो रहा है मेरा। अब इस सर्कल में मेरे को लैंड करना है ना, बस इसको
ओके ओ, मैं थोड़ा ऊपर उड़ गया। शिट शिट, मेरा पोजीशन खराब हो रखा है। ओके तो अब इन लोगों ने मेरे को उस जगह पे खड़े होने के लिए कहा है, तो मेरे को उधर जाना चाहिए ग्रीन प्लेटफॉर्म में। तो मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, गो। और फिर मैं लगता है नेक्स्ट लेवल पे आ चुका हूँ। अब मेरे को इसके साथ एक्स भी दबाने, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो मेरे को इसको दबाना है, फिर इसको ऐसे दबाओ, फिर एक्चुअली मैं भी इसमें कंफ्यूज है, मैं क्या बताऊंगा। ओके, मैंने इस वाले को तोड़ दिया। शिट 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 शिट, नहीं भाई, नहीं, मैं गिर जाऊंगा, गिर जाऊंगा मैं। इसको नहीं तोड़ पाया मैं। श, मैंने तोड़ दिया। ओके, मैंने तोड़ दिया इसको। तो मेरे को इसके साथ एक्स दबाना पड़ेगा। मैंने इसको भी तोड़ दिया। मैं लगता है और लेवल में पहुंच गया हूँ आगे के। तो मेरा मिशन हो चुका है कंप्लीट। तो मेरा मिशन ये हो वाला कंप्लीट। अब देखते हैं आप कौन सा मिशन देते हैं हमें। ये 16 मिनट की वीडियो भी हो चुकी है, तो फास्ट फॉरवर्ड करेंगे अब और देखते हैं क्या काम है। इन लोगों ने मेरे को फिर से मिशन दिया, इसे हमको स्टार्ट दबाना है। मैं तो बैक कर रहा हूँ, मेरे को इनकी इंस्ट्रक्शन तो नहीं चाहिए बाय द वे, पर इन लोगों ने कहा है तो मेरे को करना होगा। मैं स्टार्ट दबा के मैप ले सकता हूँ कि और इस तरीके से मैं सेव भी कर सकता हूँ। इस साइड से मेरा ये मेन्यू चेंज हो जाएगा। 3 हिट कॉम्बो, डिफॉल्ट, कंट्रोल, इन सब के बारे में हमें दे चुके हैं। ये हीरो है। सुपर हीरो सही नाम रहेगा हमारे लिए। ओके, तो हम चलते हैं, बैक होते हैं हम। नो, हम कोई चेंज नहीं चाहते भाई। ये सिटी मैप के लिए मेरे को ये बार बार स्टार्ट दबाने के लिए कह रहे हैं। स्टार्ट दबाते हैं हम अपना सेव गेम। एक हो रहा है लोड गेम और एक है न्यू गेम। तो न्यू गेम तो हमें करना नहीं है, हम राइट रहेंगे। नहीं, मैं 1 मिनट देख के आता हूँ। ओके गाइस, इन लोगों ने मेरे को सिलेक्ट दबाने के लिए कहा, मैं बार बार स्टार्ट दबा रहा हूँ। मुझे को दबाना है सिलेक्ट, और अब मेरे को सारी चीज़ पता लग गई कि इधर कौन कौन सी जगह पे क्या है। और मैंने इतने देर से स्टार्ट दबा रहा था, कितनी गलत बात है ये। इसको हटाते हैं मैप को, और हम आ चुके हैं अपनी नॉर्मल पोजीशन में। तो हमें क्राइम पेट्रोल आ गया, कुछ अजीब सा ही लिख के आ रहा है। तो हम स्विंग करते हुए चलेंगे। तो उधर मिशन दे रखे हैं हमें, तो ये हमारा लास्ट मिशन है और इसे जल्दी से कंप्लीट करना होगा, वरना एक्सटी को हम हरा नहीं पाएंगे। पर अभी मेरे पे बहुत टाइम है एक्सटी को हराने के लिए। और ये मैप वाला साइड मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बैक जाना पड़ेगा हमें। ओके, स्विंग करते हुए चलते हैं। तो वो लाइन आ चुकी है, हमें उसके पास जाना है। अब इनसे थोड़ी बातचीत कर दें, महान इंसान से। ये तो पूरी काली स्क्रीन हो गई है, तो मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। और मेरे को लगता भी नहीं कि ये फास्ट होता है, क्योंकि स्पीड तो मेरे को सेम रहती है, उसकी आवाज तो है नहीं कि मुझे पता लगेगा। पता नहीं क्या बातचीत होगी इनके बीच, और ये मेरे को कौन सा मिशन देने वाला है। भाई कितनी बातचीत करेगा ये। तो बातचीत खत्म हो चुकी है, और इसने मेरे को फिर से कुछ अजीब सा दे दिया। तो इसके दिए गए इशारों के मुताबिक, अच्छा मेरे को इन लोगों से भी लड़ना है फिर से।
फिर से चिरकुट लोग आ गए मरने के लिए। यूं मारूंगा मैं इन्हें, यूं मरेंगे सब लोग, मार दूंगा सबको। ओके फिर से इन लोगों ने मेरे को ये दबाने के लिए कहा है। ओके इन लोगों को तो मारना ही पड़ेगा, बहुत बदमाश लोग हैं ये लोग। इन सब को मैंने मार दिया गाइस। अब उस साइड चलते हैं और देखते हैं, उधर हमें कुछ पावर टाइप दी गई है तो उस पावर को लेते हैं और फिर इसमें मेरे को ये दबाना है। ओके अब आएगा हमारा को जलवा और देखते हैं हमारे अंदर कितनी ताकत है गाइस। ये टूट जा टूट जा, इतने देर से मैं बटन दबा रहा हूँ, कब टूटेगा भाई ये, टूट टूट जा। आखिरकार टूट गया, मैंने शायद से 50-60 बार टैप कर दिया होगा पर अब जाके टूट रहा है। और इधर मेरे को कुछ दिखा है, गिरा हुआ दिखा हुआ है। एक मिनट कैमरा एंगल बदलता हूँ। अब इसको मेरे को उठा लेना है और फिर उसी इंसान को देना है। इतनी सी जगह के लिए मेरे को बुला रखा है, कंजूस है ये बहुत, इतने से काम के लिए हमें बुला रहा है। आप क्या करना है, इसको देना है क्या हमें, इसको नहीं देना, हमें किसको देना है। तो इन लोगों ने हमें बता रखा है किसको देना है, तो हमें उस साइड जाना है और उस इंसान को देना, और इसको देते हमारा जो चैलेंजिंग वीक है वो पूरा हो जाएगा। तो इसको बस देना है हमें और ये अपने आप ले लेगा, झुक के उठा रहा है, वो भी पागल इंसान है लगता है बहुत। और देखो मैं इधर खड़ा हूँ, ये बात के पता नहीं किससे कर रहा है। ये मुक्का खाएगा, ये मुक्का खाने वाले काम कर रहे हैं भाई ये लोग, पागल है। उठा लिया इसने, अब मेरे को क्या करना है। ओके हमारा ये मिशन कंप्लीट हो चुका है और हमने अभी तक इतने सारे मिशन को कंप्लीट कर लिया है। तो गाइस हमें बस इतने ही मिशन को पूरा करना था। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए टिल देन बी आउट।